अल्लाम वरम वबरकू अल्ला महमदुन आल महमद कम सलिल तै बब्रीम आल ब्रीम हमीदुम मजीद अल्ल मबारिक महमद वाल आल महमद कम बारक तालब्रीम आल ब्रैी अन का हमीदुम मजीद लतदाद सलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तो मनमोने आका हज़रत मुहम्मद अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आपकी आल पर और आपके असा पर जी अज़ीज़ दोस्तों इस वक्त जो आप मनाजर देख रही हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम नारान के हैं और नारायण से हमारे दो बड़े मोहतरम एक तो जनाब आसिफ जमान साहब जो कि होटल होम पर होते हैं उनकी तरफ से भी आपको क्लिपिंग दिखाई गई है दिखाएंगे आगे वीडियो में कि वहाँ पर क्या हालात हैं मौसम की सूरत हाल क्या है और दूसरे जनाब इबारत साहब जो कि सीज़ल होटल पर होते हैं इन दोनों की मोहब्बत का शुक्रिया दोनों के नंबर ऊपर मैंशन है और अगर नारायण में आप होटल होम में जैसे खूबसूरत लक्शरी होटल में ठहरना चाहते हैं तो आप आसिफ जमान से रबता कर लें और सीज़न बर नारान बाजार में वहाँ पर आप रहना चाहते हैं तो फिर आप इबारत साहब से रबा कर लें और आपको वहाँ पर होटल वगैरह आप मिल जाएगा आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और अगर मज़ीद किसी की किस्म की मालूमत चाहिए उनका नंबर नहीं मिल रहा तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रबा कर लें इन शाह हम आपको वहाँ पर होटल की बुकिंग भी करा कर दे सकते हैं तो ताज़ा तरीन अपडेट हैं जी सोलह यानी कि आज इतवार की सोलह अप्रैल की पच्चीस रमजान मुबारक है और नाराण खूबसूरत तरीन वादी इस वक्त बादलों और बर्फ़ के घेरे में है हल्की बर्फबारी जारी है और इसमें ताज़ा तरीन मौसम की जो सूरत हाल है और आगे आने वाले दिनों में ईद पर क्या मौसम होगा ये सारी डिटेल हमारी इस वीडियो में होंगी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है पिछली लंबी वीडियो आप देख चुके हैं डेढ़ घंटे की वीडियो है जिन दोस्तों ने ये वीडियो देख रही होंगे और उन्हें ये पता करना है कि नारायण का रास्ता कैसा है तो मेरी वीडियो का लिंक उनसे वह सब्सक्रिप्शन में भी मौजूद है और ऊपर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे भी तो उसमें आप उस पर क्लिक कर कर तो वो वीडियो भी देख सकते हैं डेढ़ घंटे की वीडियो है सौ रास्ते की मुकम्मल मालूम है जिसे कहते हैं ना कि ईची बीची ऐसी जनाब उस वीडियो जो दस देती है तो चलते हैं अभी गूगल के पास पूछते हैं भाई क्या करोगे हमारे साथ ही पे तो लेट्स गूगल क्या कह रहे हैं गूगल की स्क्रीन पर देखते हैं जी कि आज इतवार है तो आज इतवार को अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है 60-70 परसेंट बर्फ का चांस है बारिश भी है साथ साथ इसी तरह मंडे को अगर हम देखते हैं तो उसमें बारिश भी है और कहीं कहीं आपको बर्फ का चांस लेकिन मंगल वाले दिन आपको नाइन्टी एटी बर्फबारी यानी कि बहुत तेज़ बर्फबारी बहुत को भी तेज़ बर्फबारी और फिर जाके आगे जुमरात को भी सेवेंटी से सिक्सटी परसेंट बर्फबारी और फिर साथ साथ मौसम जुम्मे की जानब फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की बर्फबारी की जानब और यूँ जुम्मा अगर ईद होती है हमारी तो उसमें भी हल्की फुल्की बर्फबारी मिलेगी हफ्ता अगर ईद होती है तो मौसम खुश्क मिलेगा इतवार मौसम खुश्क मिलेगा सोमवार और फिर मंगल को दोबारा बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला शुरू हो जाएगा तो यह तो जी नारान की ताज़ा तरीन अपडेट थी कि ईद पर क्या कुछ हालात होने हैं टम्परेचर की बात करें तो जड़ी बात है ये इस तरह की बर्फ़ पड़ रही हो तो फिर टेम्परेचर लाजमी माइनस में चला जाता है लेकिन ईद के मौके पर माइनस तीन से चार एक्सपेक्टेड है टेम्परेचर, चंगी पली ठंड होनी जे तैयारी कर लो अगर ईद पर जाना ने, तो फिर ठंड का बंदोबस्त करके जाना है आपने आगे मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि खाली गर्म कपड़े नहीं दिए आप गल गई है मुख्तारिया यानी कि यानी कि गल वानी है ईद पर तो वैसे भी रमजान में रोज़े रख रख के थोड़ी सीजो फीसी हो जाती है तो ठंड चंगी पली होनी है जी तो इसके लिए तैयारी करें आप और गर्म कपड़े एक्स्ट्रा चादर गरम कंबल और खाने पीने की चीज़ें ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें अपने इन्ग्रीडियंट्स पूरे अपने पास रखें और अगर आप वहाँ सफर पर जाते हैं तो प्लीज़ पहले वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रबता करके जाएँ रास्तों की कंडीशन और दिग्गर चीज़ें हम अपडेट देते रहेंगे आपको लेकिन आपका काम भी बनता है कि आप भी अपडेट होकर के जाएँ ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर फिर आपको किसी किसम की परेशानी का सामना करना पड़े ये जी सीज़ल होटल है बारह साहब यहाँ पे होते हैं इनके रूम्स वगैरह आप देख लें थोड़ी सी ये भी हमने आपको इन टच देनी थी कि ये भी देखें कि वहाँ पर किस किस्म के रूम हैं और इसमें तीन बेड फोर चार बेड आपको मिलेंगे और इसका सीज़ल का जो किराया है वो तकरीबन तीन से आठ नौ हज़ार तक के किराए के कमरे अवेलेबल हैं और अगर रश हो गया तो थोड़े बहुत शायद रेट ज़्यादा भी हो जाए रश ना हुआ तो तकरीबन यही रेट रहेगा मेन बाजार के अंदर है जैसे आप बाज़ार में दाखिल होते हैं चढ़ाई चढ़ते हैं तो राइट साइड पे सीजल होटल है इसी तरह होटल होम पे साहब में उनकी तो ऑनलाइन बुकिंग होती है उनके पेटर्न रेट्स होते हैं वो भी तीन चार दिन तो अभी होटल तैयार नहीं हुआ होटल होम जैसे ही तैयार होगा इन शाम वो भी उसकी भी अपडेट दे, दे देंगे लेकिन अब उनसे आसाब से रबाता कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाव ये है जी सीज़ल उसका बैरूनी व्यू है आप खुद देख सकते हैं कि सीजल और बार खड़ी गाड़ी पर बर्फ की तय भी जमी हुई है तो यह जी ताज़ा तरीन अपडेट थी नारायण से इनशाला मजीद भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे अब तक के लिए इजाज़त दें पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान परिंदाबाद जीत तेरे कुछ रे बाद नहीं अल्लाह हाफिज